कपिल मिश्रा ने जो बयान दिया था उस पर तमाम विपक्षी पार्टियां एक हो गई, हाँ इन्होंने दंगा भड़काया। मैं मानता हूँ वो गलत है, उसे भी सजा मिलनी चाहिए। और ताहिर हुसैन जो निगम पार्षद है मैडम, निगम पार्षद है, उसके घर पे 4 दिन 5 दिन पहले से प्लानिंग थी इसकी। बोरों में ईंटें, केमिकल, तेजा, पेट्रोल पहले से स्टॉक करा गया था। मैडम मैं कपिल मिश्रा ने जो बयान दिया था उस पर तमाम विपक्षी पार्टियां एक हो गई, हाँ इन्होंने दंगा भड़काया। मैं मानता हूँ वो गलत है, उसे भी सजा मिलनी चाहिए। और ताहिर हुसैन जो निगम पार्षद है उसके घर पे 4 दिन 5 दिन पहले से प्लानिंग थी इसकी। बोरों में ईंटें, केमिकल, तेजा, पेट्रोल पहले से स्टॉक करा गया था। मैडम मैं सर आपको क्या लगता है कि ये जो भी हुआ देश में पिछले दिनों, और जब हमारे देश में कोई बाहर से आया हुआ था इतना बड़ा सुपर पावर का प्रेसिडेंट ट्रम्प, और तब ये चीज़ें हुई, तो ये एक सोची समझी साजिश नहीं हो सकती? आपको क्या लगता है? मैम ये सोची समझी साजिश थी इनकी, पहले से ये प्लानिंग थी। इनके लिए 3-4 चोटें इन पे पड़ गई थी। कानून पास हुआ था सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही पास हुआ, 370 हटी, ट्रिपल तलाक इनके पे चोट हुई, इनके सारे लोग हो गए, मंदिर वाला भी हो गया, हम लोग फिर भी शांति से ही रहे। फिर ये आ गया सीए, और ये सीए, एनआरसी, एनआरपी, जनगणना जो भी है ये 1947 से ही आ रहा है और ये करते आ रहे थे। ये क्या हुआ, उन्होंने करे थे 11 साल, इन्होंने कर दिए 6 साल। तो ये प्री प्लानिंग कांग्रेस वालों की शुरू से ही, हम तो ये कहते हैं कि 99% ये कांग्रेस तो है ही है। क्यों है? क्योंकि बाकी पार्टियां जो देख लो, यूपी में जितना दंगा हुआ एक तरफा हुआ, उन लोगों ने आग लगाई बसों में, वहाँ पे दंगे के घर पे गई प्रियंका गांधी। यहाँ पे हिंदू मुसलमान लड़ते ही ये किसी के पास नहीं गई, ये खाली शांति मार्च निकाला इन्होंने। इसका क्या होता है आप खुद देखो, आप वो लोग देखें जो इनके आने पे, इन्हें बुलाने पे बैठते थे। मैडम इसमें एक सत्य में दंगा नहीं, राजस्थान में इनकी गवर्नमेंट हमारा, मैं बता रहा हूँ, अब इनकी जहाँ पे पंजाब में नहीं हो रहा है, राजस्थान में नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है, अब इनकी जो प्री प्लानिंग ओबीसी जैसे कहते हैं, ठीक है, कपिल मिश्रा ने जो बयान दिया था उस पर तमाम विपक्षी पार्टियां एक हो गई, हाँ इन्होंने दंगा भड़काया। मैं मानता हूँ वो गलत है, उसे भी सजा मिलनी चाहिए। और ताहिर हुसैन जो निगम पार्षद है उसके घर पे 4 दिन 5 दिन पहले से प्लानिंग थी इसकी। बोरों में ईंटें, केमिकल, तेजा, पेट्रोल पहले से स्टॉक करा गया था। मैडम मैं बताता हूँ, मेरे घर पे कोई बिक्री खंभी बिक्री नहीं, अब एक बात बताइए मैडम, यही अगर इनकी प्लानिंग नहीं थी तो क्या ओबीसी का जो महाराष्ट्र में एक पठान था, हाँ, उसने क्या करा था? पारिस पठान जो भी हो, कितना करा किसी विपक्षी, यही कांग्रेस वालों ने कहा ये उसने गलत बोला, किसी विपक्षी पार्टी ने, अगर कपिल मिश्रा खड़ा हो गया अब क्या हो गया, अगर प्रियंका ठाकुर बोल देती है कि हम गोड से कि कोई बड़ाई कर दो तो यही रोने लगते हैं। मैडम इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे ही बांटा, इन्होंने बांग्लादेश बांटा, पाकिस्तान से लड़ाई, 1.5 लाख हमारे सैनिक शहीद करवा दिए थे इन कांग्रेस वालों ने, इंदिरा ने, मर क्या दिया बांग्लादेश, बांग्लादेश की जगह पर कोई हिंदुस्तान, हिंदू के नाम से ही देश बसा देते कि सैनिक हमारे शहीद हुए थे। इसमें सैनिक उनके शहीद नहीं हुए थे, मुस्लिम शहीद नहीं हुए थे, पाकिस्तान के शहीद हमारे सैनिक हुए थे सबसे ज्यादा है। और तो मैडम इनकी प्री प्लानिंग पहले से थी। एक कांग्रेस, एक बात बताइए आप, ये सलमान खुर्शीद है, एक बच्ची से कह रहा क्या चाहिए, तो वो कह रही आजादी, उसके मुंह वीडियो में खुद, चलो ठीक है फेसबुक, आज देश में किस बात की आजादी? अरे मैडम इनके लिए यही तो गुलाम है, ये यहाँ पे गुलाम नहीं, उनकी जो आज 12% 15% की जब नहीं 15 करोड़ वाली बात थी, वो बारिश पठान ने कही थी, कोई भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला बारिश पठान के खिलाफ, कोई भी कुछ नहीं बोला, ओबीसी ने उफ नहीं कहा, दिल्ली पुलिस ने करा दिया, ये दिल्ली सरकार की देन है, कांग्रेस कह रही है इसकी, अगर बीजेपी चाहती तो ये शाहीन बाग पे धरना नहीं होता। क्यों नहीं होता? उन्होंने कही हम गलत काम नहीं करेंगे, अगर हम महिलाओं को खदेड़ेंगे तो पूरा ब्लेम पूरी विपक्षी पार्टियां, ममता से लेके अखिलेश से लेके, अब देखो इसमें पार्टी की राजनीति, अखिलेश जैसा इंसान कितना गिरा हुआ इंसान है, उसने अपनी नाबालिग लड़की
फिर उस स्टेट में भेज दी घंटा घर पे, लखनऊ घंटा घर पे, कई वो बॉक के लिए गई। इसके बंगले से घंटा घर 4 किलोमीटर है। मैम बताइए आप हमें, आप कितनी बॉक को जाती हो, कितनी दूर की बॉक करते हो आप, 4 किलोमीटर करते हो है? वहाँ पे भेज दी, क्या भेज दी कि हमें एक तरफा वोट यहाँ का मिल जाए, हमें इनसे ही राजनीति है, हमें हिंदू मुसलमान ही करना करना। तो ये इनकी पहले से इतनी चोटें, मैं बताता हूँ, मुझे बॉस डांटे, मेरे पापा डांटे, मेरी मम्मी डांटे, और मैं देखूँ कि छोटा भाई हमसे आँख के मैं आ कर रहा, तो मैं तो थप्पड़ मारने की कोशिश करूँ। ये जले पूरे पहले से भरे थे, इनकी प्री प्लानिंग मैडम पहले से थी। हम लोग तो गए कि ठीक है धरना हटाओ, रोड खाली करो, इन्होंने मानना ही शुरू कर दिया। मैडम ये क्या है, पत्थर किसने उठाया पहले? पहले पत्थर इन्हीं लोगों की प्री प्लानिंग इनकी थी, पहले पत्थर इन्होंने ही चलाए। वो जाफराबाद में देख लो, पत्थर इनकी तरफ से ही चले थे, किसी हिंदू भाई की तरफ से नहीं चले थे। मैडम इनकी पहले से ही इनकी फोन से द्वारा सेटिंग होती थी कि एकदम आक्रमण करना है तो करना है मैडम। और इसमें केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जो करता है, संजय सिंह कहता है तारिक हुसैन वो था नहीं वहाँ पे, वो वीडियो में साफ दिख रहा है। अभी भी उसने बयान दिया जस्ट कि वो नहीं था, अभी भी। अब बार बताइए, अब जो संजय सिंह जो है, संजय सिंह अंकल कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, उठाएगी चोर, और वो इतना गिरा हुआ है ना, वो इतना गिरा हुआ है, वो मुस्लिमों के लिए संजय सिंह अपना दामाद बना सकता है, वोट की राजनीति के लिए अपनी लड़की बेच सकता है, संजय सिंह अपनी लड़की बेच सकता है वो मुस्लिमों के लिए, वो बाकी हिंदू भाइयों को कर ही सकता है ये। और केजरीवाल कह रहा है कि 15 तो मुस्लिम मरे, 10 हिंदू, इनके लिस्ट, इनके पास लिस्ट कहाँ से आ गई? इनके पास कहां से आई ये लिस्ट? तब तक अभी तो लिस्ट आई नहीं, अभी पुलिस वालों के पास लिस्ट नहीं आई, तब तक इनके पास आ गई। ये उनके पास मिलाए, सबके पास, इन्होंने मुस्लिमों की लिस्ट निकाल दी, केजरीवाल की फ्री की ले लो ना, हम तो दिल्ली की जनता कह रहे हैं फ्री का ले लो, पानी ले लो, बिजली पानी ले लो। मंदिर में जी सिर्फ एक ही दिन गए, हनुमान चालीसा गाया, और हिंदू लोगों ने कही ईमानदार नेता है ये, ईमानदारी तो नहीं झलक रही है। 44,000 रुपए मौलानाओं को देते हैं और मंदिर के लिए 1 रुपए भी दान नहीं देते हैं। चलिए सर, आप क्या कह रहे थे? क्या संजय सिंह अमेठी का रहने वाला है और आम पार्टी में, देखिए आम पार्टी में 99% उठाईगिर हैं, जिसमें कई मंत्रियों को गोली लगी है जो इस समय मंत्री हैं इसके गवर्नमेंट में। और संजय सिंह एक अमेठी का रहने वाला एक लफंगा था, वो जो दिल्ली में आके जो है आम पार्टी में लग गया और उसको राज्यसभा बना दिया गया। संजय सिंह का कोई करेक्टर नहीं है, एक नंबर का लुक्खा, वो लुक्खा आदमी जो है ये जो है राज्यसभा बनाया संजय, और बकिया दो उठाई गिरों को और राज्यसभा बनाया इन्होंने। अरे एक दो गुप्ताओं को राज्यसभा जो बनाया वो कांग्रेस के थे, आज कांग्रेस ने कल 400 करोड़ रुपया दिया केजरीवाल को, राज्यसभा बन गया। तो केजरीवाल खुद भी उठाई गिरों का चेयरमैन है, और जितने भी दंगा हो रहे हैं देश में, चाहे हो रहे हैं, सब में केजरीवाल का, उनके आम पार्टियों का हाथ है, उसमें पीछे से कांग्रेस भी सहयोग कर रही है, बिरयानी खिला रही है, पैसा दे रही है। तो ये जो सारा काम जो है केजरीवाल और कांग्रेस के सहयोग से हो रहा है। अच्छा ठीक है सर, आपको क्या लगता है कि दंगों के लिए कौन, किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि एक तरफ बीजेपी वाले कह रहे हैं आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, आम आदमी कह रही है बीजेपी जिम्मेदार है, लेकिन दब तो आदमी रहा है, मैं और आप दब रहे हैं, मेरे बच्चों का स्कूल बंद हो रहा है। एक मिनट सुनिए, आम पार्टी जो अन्ना हजारे आए थे, जो दिल्ली के जितने उठाएगी, जितने जेब कतरे, जितने पॉकेट मार, और सारे आम पार्टी में लग गए, और उसमें कुछ MLA हो गए, सारे मंत्री हो गए, कुछ राज्यसभा हो गए। आम पार्टी एक जो है देश की सबसे खतरनाक पार्टी है, जहाँ सारे अपराधी का है। अब पब्लिक जो है हमारी दिल्ली की दलित है, वो जो पानी बिजली ये लालच में दिया है, और बाकी जितनी दंगा हो रहे हैं उसमें केजरीवाल का ही सब हाथ है, उसकी पार्टी वर्करों का। मैं चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने पैदा किया अन्ना को, अन्ना हजारे को, ठीक है, अन्ना हजारे नाम का एक व्यक्ति, और अन्ना हजारे ने पैदा किया एक नया बवाल, ठीक है, केजरीवाल जिसका नाम है, राइट। अब इसकी वजह से हो रहा है, देखिए महात्मा गांधी ने जो है देश का बंटवारा कराया, उससे उन्होंने 47 में बंटवारा कराया, अन्ना हजारे जो आ गए ये पूरे हिंदुस्तान का बंटवारा करा देंगे। अन्ना हजारे ने दिल्ली में, अन्ना हजारे ने तो ठीक ही किया था, अब आपका बच्चा अगर बिखर जाएगा तो वो आपका गलती थोड़ी है। सुनिए, अन्ना हजारे क्या करता है वो भी सुन लीजिए हमसे।
बिलासराव देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे खास फ्रेंड थे, आप पूरा देश जानता है। वो क्या होता है कि वहाँ नाटक करता था और वहाँ जो दो किसी मंत्री को बुलाया, 2-2.5 करोड़ रुपया दिया, अन्ना हजारे को पैसा मिल गया, चला गया वो अपने आश्रम में, भाई पैसा खत्म हुआ फिर आके नाटक करता था। तो दिल्ली के जितने उठाईगीर थे, इन्होंने दिल्ली बम्बई गए, उन्होंने देखा अन्ना हजारे एक तो सोने की ईंट है, उसको उठा लाए और जंतर मंतर पर नाटक चलता रहा, इसमें 400 करोड़ रुपया चंदा है, सब केजरीवाल मनीष सिसोदिया खा गए। और उसी पार्टी से खड़े मनीष सिसोदिया, केजरीवाल बीच में गया था दुबई, वहाँ से डी कंपनी का भी पैसा आया। तो केजरीवाल और उसकी पूरी गैंग देश का सबसे बड़ा घातक पार्टी है, और अभी तो दिल्ली में हो रहा है ये, तो हर जगह जाके अभी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो, यूपी में जाऊंगा, महाराष्ट्र में जाऊंगा, वो तो एक